नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं गूगल के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने अपने एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है यानी कि एंड्रॉयड क्यूब लॉन्च कर दिया है और अभी इसका बीटा टेस्टिंग चल रहा है। और इसमें जो खास बात है, इसमें प्राइवेसी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया, प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। जब आप कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो परमिशन मांगती है कि आपके टेक्स्ट मैसेज को पढ़ेगी, आपके वीडियो को देखेगी, आपके मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी लेगी, आपकी लोकेशन के बारे में जानकारी लेगी, आपके SMS पढ़ेगी, बहुत सारी परमिशन होती है। कुछ एप्लीकेशन में इसकी जरूरत भी होती है, जैसे कि वो वेरीफाई करने के लिए मैसेज करेंगे, जैसे WhatsApp है, WhatsApp आपने इंस्टॉल किया तो वो वेरिफिकेशन के लिए एक SMS करेगा, तो SMS में कोड रहता है और आपका जो WhatsApp का जो लोगो खुला हुआ है, WhatsApp ऐप खुली हुई है, तो जैसे वो मैसेज आएगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा, तो उसका ये फायदा भी है। तो पर कुछ एप्लीकेशन है उस समय तो होती है पर वो परमिशन हमेशा के लिए ले लेती है, उसके बाद वो उन परमिशनों के थ्रू वो आपके माइक पे कंट्रोल कर लेती है, मतलब आपकी आवाज कभी भी सुन सकते हैं, आपके फोटोज वगैरह चेक कर सकते हैं, आप किस जगह लोकेशन पे गए थे वो चेक कर सकते हैं, मतलब टोटल ओवरऑलिंग आपके मोबाइल पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है और इस तरह से आपकी प्राइवेसी भंग होती है। वो अपने फायदे के लिए उस जानकारी को यूज करते हैं, मतलब एक हाथ आपको कोई सुविधा दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से आपसे अपने काम की सुविधा की डाटा या सूचना इकट्ठा कर रहे हैं और उन सूचनाओं के दम पर वो पैसा कमाते हैं या अपने लिए यूज करते हैं। कुछ तो एप्लीकेशन ऐसी होती है कि आपकी सूचनाओं को बेचकर पैसा कमाती है। अब वो बेचे सही जगह पर, जैसे कि जो एडवर्टाइज कंपनी होती है उन्हें बेचे तो इतना नुकसान नहीं है, एडवर्टाइज कंपनी वाले उन सूचनाओं के आधार पर आपको एडवर्टाइज दिखाएंगे, पर अगर वही सूचना गलत हाथों में चल जाए, हैकर के हाथ में चल जाए, तो उस सूचना के आधार पर वो आपके बैंक खातों पर डाका डालेगा, आपको बर्बाद करेगा, तो यहां आकर बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि हमारी सूचना का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो गूगल के जो नए अपडेट आया उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी रहे, मतलब जो आप उन्हें परमिशन देते हैं उसमें ये भी ऑप्शन होगा कि वो परमिशन कितने समय के लिए है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस टाइम तो दे दिया कि आपको याद था मैंने परमिशन दी, बहुत से तो इस पर ध्यान भी नहीं देते, उन्हें पता नहीं होता मैंने क्या क्या परमिशन दी। तो अब इसमें ये आ गया है कि आप परमिशन का भी एक टाइम पीरियड होगा कि 72 घंटे 24 घंटे, उसके बाद वो परमिशन खत्म हो जाएगी और वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जाकर आपका ये सब जो माइक वगैरह आपका कैमरा वगैरह यूज कर लेती थी वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा बदलाव किया है गूगल ने। अब एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन है एप्स इन रनिंग बैकग्राउंड, उसे आप मतलब आप परमिशन दे रहे हैं जो बैकग्राउंड में चल रही है, कुछ जरूरी जो मोबाइल की एप्लीकेशन होती है जो मोबाइल को चला सही चलाने के लिए सेंसर्स वगैरह की एप्लीकेशन होती है उन्हें बैकग्राउंड में चलने के लिए परमिशन देनी पड़ती है, वरना वो बैकग्राउंड में सही से काम नहीं कर पाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है एप्स ऑल द टाइम, जो बैकग्राउंड में कर रही है हमेशा ही चलेगी, जैसे कि जरूरी एप्लीकेशन और एप्स जो बैकग्राउंड में जो आपने इंस्टॉल करी है जो आप चाहते हैं कि चले वो, और उसके बाद नेवर यानी कि वो एप्लीकेशन तभी काम करे जब आपको उसकी जरूरत है, और जैसे आप उसका उपयोग करना बंद कर दें तो उसके बाद वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलने भी बंद हो जाए, यानी कि एप्लीकेशन बंद हो जाए, जिससे कि आपका डाटा भी बचेगा, फोन हैंग होने से बचेगा और जो जरूरी चीज है वही होगी, जरूरी काम ही होगा, फालतू का काम बिल्कुल नहीं होगा। एक बदलाव है आपकी जो फाइल्स हैं उसके अंदर जो वीडियोस हैं और इमेजेस हैं या कुछ और डाटाज हैं उसके पर जो आप डिसाइड आपका कंट्रोल रहेगा कि जो एप्लीकेशन आप मोबाइल के अंदर डाल रहे हो वो आपकी परमिशन से उनमें एक्सेस करेंगे और कितने समय तक एक्सेस करना है, मतलब कि बिना आपकी मर्जी के आपकी इमेज वीडियोज वगैरह जो वो पढ़ नहीं पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती थी और आपकी इमेज वगैरह चुरा लेती थी और आपका डाटा वगैरह चुरा लेती थी, आपके टेक्स्ट मैसेज वगैरह चुरा लेती थी, शेयर कर लेती थी अपनी साइट पे, शेयर का मतलब अपनी साइट पे अपलोड कर लेती थी, आपको पता भी नहीं चलता था, फिर उस डाटा का इस्तेमाल करके वो पैसे कमाते थे। तो अब जो गूगल का नया अपडेट आया उन्होंने ये प्राइवेसी को खास ध्यान में रखकर ये सब फीचर इसमें डाले हैं, और बाकी फीचर तो इसमें वही है कि जैसे फोल्डेबल जो नया डिवाइस अब लॉन्च हुई है तो उसके अनुसार भी वो एडजस्ट हो जाएगा, उसमें भी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, और आपके जो मोबाइल्स कैमरा होते हैं या फिर नेट्स है या फिर फाइल शेयरिंग है, हर चीज में सुधार रहेगा। पर सबसे बड़े जो इसके फायदे हैं या इसमें जो फोकस किया गया है प्राइवेसी, और ये मुझे लगता है मेरे अनुसार ये अब तक का सबसे बेस्ट एंड्रॉयड अपडेट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।